आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे पर्टिकुलर किस स्टेट में होगा, जो भी आपने फिल किया है अपने एग्ज़ाम सेंटर में, उनमें से कौन से सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल, आई एम वंदना। एंड आज की जो न्यूज है वो जेई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे 2024 में जेई का एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए है। सो आप सभी को पता है कि आपके जो जेई मेंस 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं एंड उसका एग्ज़ाम डेट जो है वो भी आप लोग को पता है कि कब से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक जो है आपके जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा। सो अब बच्चे क्या है परेशान इस बात पे हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कई बच्चों की ये आ रही है कि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो किस सिटी में जाएगा, किस जगह पे हमारा एग्ज़ाम होगा, किस दिन होगा हमारा एग्ज़ाम, किस शिफ्ट में होगा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहेगी उस एग्ज़ाम की। सो आप सभी के लिए NTA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होगा उसके जो अनाउंसमेंट है वो आपकी जनवरी के सेकेंड वीक में जो है आपको बता दी जाएगी कि किस जगह आपका एग्ज़ाम होगा। आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे पर्टिकुलर किस स्टेट में होगा, जो भी आपने फिल किया है अपने एग्ज़ाम सेंटर में, उनमें से कौन से सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके जनवरी के सेकेंड वीक में आपको बता दिया जाएगा। बट आपका एग्ज़ाम किस जगह पे होगा, एग्जैक्ट सेंटर किस स्कूल में होगा, किस इंस्टीट्यूट में होगा, किस सेंटर पे होगा, वो सेंटर आपको क्या है आपके एग्ज़ाम डेट जो है उसके 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में जो है आपका डेट वो सिटी जगह का नाम मेंशन होगा, उस इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन होगा जहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम होना है जेई मेंस 2024 का। सो उसी एग्ज़ाम 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपके डेट शिफ्ट एंड उस जगह का पर्टिकुलर नेम आपका मेंशन होगा कि कहाँ पे आपको किस टाइम पे जाना है, कहाँ जाना है, किस इंस्टीट्यूट में जाना है, कब आपको रिपोर्टिंग करनी है वहाँ पे जाकर के, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी। एंड एडमिट कार्ड जो है वो आपका आएगा एक आपके एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, यानी मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 24th जनवरी को है तो आपका जो है उससे 3 दिन पहले यानी 21st ऑफ जनवरी को जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड में आपका प्रॉपर आपका एग्ज़ाम का किस सेंटर जो है कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो उसमें मेंशन होगा, कहाँ आपको जाके जाना है एंड उसकी जो शिफ्ट टाइमिंग है आप कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। अब आप सभी को पता है कि आपके जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है उसे होने में केवल और केवल 1 मंथ का टाइम रह चुका है। सो इस बात पे पैनिक ना होके कि भाई हमारा एग्ज़ाम कौन से सिटी में होगा, आपको जो है अपने सिलेबस पे फोकस करना है। अपडेटेड सिलेबस आपको मिल चुका है, आपको पता है आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कंप्लीट आपने कर भी लिया होगा। फिलहाल अभी आप प्रिविजन पे फोकस करें, अपने सिलेबस जो भी आपने पढ़ लिया उसे अच्छी तरीके से दोबारा से पढ़े अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको मतलब एग्ज़ाम टाइम पे आप अच्छी तरीके से फ्रेश माइंड के साथ अपने एग्ज़ाम देने जाए। थैंक यू।